नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर देने की कोशिश करूंगी, जो कठिन प्रश्न होगा जिसका व्याख्या देना आवश्यक होगा। और ये प्रश्न सीटेट 2012 नवंबर के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसी तरह से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो आप इसे अवश्य देखें। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ग्रह। ऐसे पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से प्रकाशमान होते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह एक आकाशीय पिंड है जो तारों की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। स्थान, लोगों, वस्तुओं और प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं स्थलमंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पर्यावरण। अगला प्रश्न है जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन है भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित, मूर्त। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूढ़िबद्ध। अगला प्रश्न है किस तुर्क ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है अहल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, नाना फादरनीश। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रानी चन्नम्मा। कितुर में ब्रिटिशों के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व रानी चन्नम्मा ने किया था। वे दक्षिण भारत में कितुर क्षेत्र की रानी थी। रानी ने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। मुगल वस्तु शिल्प मिश्रण है अरब और भारतीय शैली का, फारसी और भारतीय शैलियों का, तुर्की और अफगान शैलियों का, तुर्की और फारस शैलियों का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संभावित संसाधन। अगला प्रश्न है भारत के मानक देशांतर है 82 डिग्री दक्षिण पूर्व देशांतर, 82 डिग्री पहला ऑप्शन है, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब कोई शिला दबाव और कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं अग्नेशैल, कायांतरित शैल, अवसारी शैल, प्रारंभिक शैल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कायांतरित शैल। जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण चट्टानों की परत बनाती है तो उन्हें कायांतरित चट्टाने कहते हैं। पृथ्वी की परत का अधिकांश भाग इन चट्टानों से ही बना है। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है स्लेट, सिस्ट, मार्बल, ग्रेनाइट और क्वार्टरजाइट। अगला प्रश्न है जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है। ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है, कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, कथक शैली का शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा से देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना गया है। यह अंग्रेजी सरकार के नमक कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। इसका प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसे नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? ऑप्शन है लोएस, डेल्टा, हिमोड, छत्रकशिला। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, छत्रकशिला। छत्रकशिला या मशरूम चट्टान एक प्रकार के अपरदन स्थल का रूप है। इसे छत्रकशिला भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक चट्टान है तथा इसकी आकृति मशरूम के समान होती है। इसका निर्माण भूक्षरण और मौसम के प्रभाव से होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। इन्हें अनवकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधन है। ये करोड़ों वर्षों में पृथ्वी पर मृत जीवों के अवशेषों से तैयार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। खालसा संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा शब्द का अर्थ शुद्ध होता है। इन संप्रदाय की स्थापना 30 मार्च 1699 को की गई थी। आप इसे नोट करेंगे, 30 मार्च 1699 को इसकी स्थापना की गई। किसकी? खालसा संप्रदाय की। अगला प्रश्न है निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, संताप मंडल, बाह्य मंडल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का परत है, यह दूसरा परत माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जीवन के अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अपने जीवन या व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियां के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए वे कभी अनवृत्त नहीं दिखते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। जैसा कि ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है, सदाबहार हमेशा हरे भरा रहने वाला। अगला प्रश्न है कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है? ऑप्शन है वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में ये आधुनिक उपकरणों और साधनों के साथ उन्नत बीजों के प्रयोग से अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार की कृषि और फसलों के साथ साथ पालतू पशुओं को भी देखभाल की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52।
जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थिर होती है और नज़दीकी का लाभ उठाती है, यह कहलाता है। ऑप्शन है औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन उत्पादन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। ऑप्शन है सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी तट और जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि। ऑप्शन है तट के साथ एक ठंडी जल धारा बहती है, दंतरिक तटीय क्षेत्र है, तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन है एशिया और अफ्रीका में, एशिया और दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका और एशिया में, एशिया और यूरोप में। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एशिया और अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महासंध, व्यापारिक, औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पुनर्जागरण, औपनिवेशीकरण। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक राज किया था। भारत की लंबे समय के बाद अंग्रेजी राज्य से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। ऑप्शन है उपनिषद, वेद, आरण्यक, पुराण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उपनिषद। उपनिषद विविध लेखों का संग्रह है जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित दार्शनिक और धार्मिक जानकारियों का वर्णन किया जाता है। लगभग 200 प्रकार के उपनिषद प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, गुप्त। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, महाजनपद। महाजनपद काल के दौरान कर प्रणाली का बहुत महत्व था। 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में 16 प्रमुख गणराज्यों को महाजनपद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन है छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कल्लूल, कुल्लूल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। ऑप्शन है घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परिक्रमण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। ए, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। बी, इसकी तटरेखा सरल रेखी और निर्वाद है। सी, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है। केवल ए तथा बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, ए बी सी तीनों। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी। अगला प्रश्न है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन है ईदगाह, खानगाह, इबादतगाह, दरगाह। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दरगाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। ऑप्शन है इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका, बुरझोम। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ओडिशा। अगला प्रश्न है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। ऑप्शन है रूढ़ी चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा, वर्णमाला अक्षरों के द्वारा, विषम संबंधी मानचित्रों द्वारा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गाँव जाना,
रेलगाड़ी में यात्रा करना ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपनी मातृभाषा में बोलना। अब हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मातृभाषा का अर्थ किसी व्यक्ति के समाज और परिवार में बोली जाने वाली बोली भाषा है। भारत में वर्तमान में लगभग 1562 मातृभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। ऑप्शन है भूसंधि, खारी, द्वीप, जल संधि। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भूसंधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन है VC 2012, ईस्वी 2012, AD 2012, AP 2012। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, AD 2012। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है, मनुष्य का तत्कालीन परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि, जलवायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भूमि, जलवायु, पौधे और पशु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। ऑप्शन है केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आकर्षक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त के मध्य। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। वर्ष में एक बार सूर्य मकर और कर्क रेखा के ठीक बीच में रहता है। इस समय वहाँ अधिकतर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है इसमें अधिक लंबी पाठ सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ सामग्री को याद करने में बच्चों को परेशानी होती है। इसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। इसे विशेष इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सके। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक, शिक्षक, अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप, ऑप्शन है उन्हें पौध शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों के व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। ऑप्शन है प्राथमिक आंकड़ों का, द्वितीय आंकड़ों का, तृतीयक आंकड़ों का, विद्यागत आंकड़ों का। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ों। मौसम के बारे में विभिन्न उपकरणों और साधनों के माध्यम से प्राथमिक सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। यह सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा, शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उससे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, NCERT द्वारा प्रकाशित उदाहरण स्वरूप पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना, यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग।
अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। शिक्षकों को मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। इस परीक्षणों में उच्च विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। ऑप्शन है बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने, मस्तिष्क हृदय और हाथ पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थी को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस करना चाहिए। ऑप्शन है जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में प्रयोगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांकन 36 है। यह सुझाव देता है कि ऑप्शन अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं, 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। अधिकांश विद्यार्थियों ने 36 और 46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, उनके द्वारा 36% विषम वस्तु सीखी गई है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तत्व सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। ऑप्शन है विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे, विद्यार्थियों ने अपना सह विद्यार्थियों को बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था, कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पेडागोजी के क्वेश्चन है कुछ। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में सरल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। ऑप्शन है गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संसाधन, सभी विषयों में संकल्पनाओं को अनुप्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। अभिवृत्ति और मूल्यांकन का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं। ऑप्शन है दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, दूसरे बच्चों के साथ श्रेष्ठ साझेदारी न करना, रोजाना शिक्षक और अभिभावक का अभिवादन न करना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। ऑप्शन है स्रोत आधारित विश्लेषण, मॉडल और चार्ट, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास भूगोल, नागरिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास भूगोल, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु डैश को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। ऑप्शन है प्रकृति इतिहास संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, चिड़ियाघर, जीव संरक्षण उद्यान, पशु अभयारण्य। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चिड़ियाघर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, पाठ्य सामग्री सूचनाओं को स्थानांतरित करने, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षा शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उनकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी
उनके साथ करनी चाहिए। ऑप्शन है कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक। इस प्रक्रम पर आधारित आकलनों का प्रकार, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है, इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल है तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन है आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियाकलाप शोध करने के लिए कहना। आदिम जनजाति शिल्पकृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? ऑप्शन है प्रासंगिकता, समानता, उपयोगी, अकाट्यता। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रासंगिकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? ऑप्शन देखते हैं। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसारित होता है। शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति, कहानी पद्धति, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, परियोजना कार्य। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।